हेलो गाइस, तो गाइस आज मैं बात करूंगा द कॉन्जरिंग यूनिवर्स की टाइमलाइन के बारे में। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद ये था कि कोरोना वायरस चल रहा है, सभी घर पर बैठे हुए हैं और देन मार्वल डीसी स्टार वॉर्स के अलावा भी और भी यूनिवर्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल के और अच्छी हैं। अगर आप हॉरर लाइन में जाना चाहते हो, हॉरर मूवी पसंद करते हो, तो मेरा सबसे पहले सजेशन रहेगा कि आप कॉन्जरिंग यूनिवर्स देखो। इस यूनिवर्स की स्टार्टिंग हुई थी 2013 से और ये यूनिवर्स अभी तक चलता आ रहा है और इस यूनिवर्स में आपको काफ़ी कमाल की हॉरर मूवी देखने को मिलेंगी, जिसमें कि मैं बात करूँ कॉन्जरिंग का पहला पार्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और देन आप उसे देख के 100% डरोगे। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है क्यों, क्योंकि ये स्टोरी रियल की है। जी हाँ गाइस, आपने सही सुना, ये सारी की सारी स्टोरीज रियल की है। कुछ मूवीज़ में बनाकर एडिटिंग करके दिखाया गया है जिससे कि लोगों को थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो, जिससे कि मूवीज़ में थोड़ा इंटरेस्ट आए और थोड़ा साउंड इफेक्ट डाले जाए जो कि बहुत ही कमाल के होते हैं। तो गाइस, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया जिससे कि आप इन्हीं सुपर हीरो की दुनिया से निकल के अगर आप और कुछ भी देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो कॉन्जरिंग यूनिवर्स की टाइमलाइन में काफ़ी मूवी रिलीज़ हुई है जिनके अगर आप रिलीजिंग ऑर्डर से देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उनके अंदर की जो स्टोरी है उनमें ईयर अलग अलग टाइप के दिखाई गई हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होती है। पर अगर आप इस वीडियो को देख के टाइमलाइन के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपको ईजिली ये यूनिवर्स समझ में आएगा। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस यूनिवर्स को और आते हैं सबसे पहले मूवी पर, यानी कि इस यूनिवर्स में सबसे पहले मूवी आती है टाइमलाइन के अनुसार, वो है द नन। द नन को देखने के बाद आपको लगेगा कि इस दुनिया में भूत भी होते हैं और इसी मूवी से शैतान की उत्पत्ति हुई थी जिसने आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा परेशान करा। उसके बाद इस यूनिवर्स में दूसरी मूवी आती है द एनावेल क्रिएशन, ये मूवी रिलीज हुई थी 2017 में। उसके बाद इस सीरीज में आते हैं थर्ड मूवी एनावेल, ये मूवी रिलीज हुई थी 2014 में। ये एनावेल का पहला पार्ट है। आप सोच रहे होंगे कि ये आगे पीछे क्यों है, भाई यही तो टाइमलाइन का फंडा है, इसको अगर टाइमलाइन के अनुसार देखोगे ना यूनिवर्स को तो मज़ा आ जाएगा। अब आते हैं इस टाइमलाइन में फोर्थ मूवी द कॉन्जुरिंग। ये गाइज इतनी डरावनी मूवी है कि आप देखोगे तो हैरान हो जाओगे। ये मूवी रिलीज हुई थी 2013 में। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आते हैं एनावेल कम होम्स, जो कि सिर्फ एक दिन की मूवी दिखाई है, यानी कि एक दिन की स्टोरी है इस मूवी में, आप खुद देखोगे तो समझ जाओगे। उसके बाद आते हैं द क्रश ऑफ लारा लॉरेंस, ये मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और देन इसका हिंदी नेम है शापित स्त्री, तो मूवी को देखना ज़रूर। उसके बाद आते हैं द कॉन्जुरिंग 2, ये मूवी रिलीज हुई थी 2016 में, जो कि बहुत ही कमाल की मूवी है और देन रियल की स्टोरी है, आप खुद देखोगे तो हैरान हो जाओगे। उसके बाद आते हैं अब अपकमिंग मूवीज़ के बारे में, तो कॉन्जुरिंग 3 जो कि इस साल रिलीज़ होगी 2020 में अगर कोरोना वायरस के चलते डिले नहीं हुई। उसके बाद अगली मूवी आती है अनटाइटल द नन, ये सेकंड पार्ट है पर इसका ईयर कंफर्म नहीं है कि ये मूवी कब रिलीज़ होगी, जैसी कोई अपडेट आएगा तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद अगली मूवी आती है द क्रोकेड मैन। अब क्रोकेड मैन कौन है, अगर आप पूरा यूनिवर्स देख लोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसके ऊपर एक अलग से ऑफिशियली मूवी बन रही है और इसका भी रिलीजिंग डेट कंफर्म नहीं है। तो गाइस, ये है द कॉन्जरिंग यूनिवर्स का फुली सेगा और फुली अपडेट टाइमलाइन। और इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करें, मैं आपको फुली इसकी डिटेल लिस्ट बता दूंगा। और आपको ये वॉलपेपर HD में चाहिए टाइमलाइन का तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जैसे कि मैं आपको टेलीग्राम पर ये फुल HD में वॉलपेपर दे दूँ, टाइमलाइन के अनुसार आप इस मूवी को और इस पूरी यूनिवर्स को देख सकते हो। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।